नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की ही एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा या जिसे शायद ही आपने देखा होगा। एक ऐसी जगह जिसे मैं अब आपको दिखाने जा रही हूं, आप भी देखकर चौंक जाएंगे और आप में भी उत्सुकता जागेगी इस जगह पर आने की, इस जगह को देखने की। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है प्रेम आधार, या बोर्ड देख सकते हैं मेरे पीछे, यह है प्रेम आधार रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल। इसमें आपको कैंटीन, जनरल टॉयलेट, बायोमेडिकल वेस्ट, ओपीडी रिसेप्शन, आईपीडी, टेंपल और पार्किंग, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेम आधार आखिर है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इसमें लिखा है प्रेम आधार रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि दिखाने और देखने वाली ऐसी क्या चीज है। तो रुकिए, मैं दिखाती हूँ कि कैसा हॉस्पिटल है। अभी तक आपने ऐसे हॉस्पिटल देखे जहां पर लोगों की भीड़ भाड़, दवाइयों की स्मेल, गंदे टॉयलेट, गंदगी और लोगों की इतनी भीड़ की वहां सांस लेना मुश्किल, और ऐसी जगह पर आकर आप अपने चेहरे को ढक लेते हैं। आप चेहरे पर या तो मास्क लगा लेते हैं या फिर किसी भी कपड़े से अपना चेहरा ढक लेते हैं, क्योंकि वहां की बदबू और वहां की गंदगी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन ये हॉस्पिटल उन सारी चीजों से बिल्कुल अलग है। हॉस्पिटल है और अलग है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कह रही हूँ, लेकिन सच है ये चीज। नजर दौड़ाए, ये आप देख सकते हैं केले के पेड़, गेंदे के फूलों की क्यारियां, यहाँ सरसों, पालक, एलोवेरा और कई सब्जियों की खेती की गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे हॉस्पिटल के अंदर ये सारी चीजें, हॉस्पिटल के अंदर ये सारी चीजें, सवाल तो दिमाग में आता ही है। अब फिर से दिखाऊंगी ये सब्जियों की क्यारियां, उसके बाद शुरू होता है यहां से अंदर जाने का हमारा सफर। इस साइड आप देखिए, कोई पौधा ऐसा नहीं होगा यहाँ जो नहीं लगाया होगा। यहाँ हर तरह के फूल, हर तरह के पौधे मेरे सीधी साइड पर भी आप देख सकते हैं और मेरी लेफ्ट साइड पर भी। और जब ऐसे हॉस्पिटल के अंदर आप जब एंट्री करते हैं, आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलती, गंदगी नहीं मिलती, दवाइयों की स्मेल नहीं मिलती और इस तरीके की हरियाली मिलती है, फूल मिलते हैं, सब्जियों की खेती मिलती है, तो तबीयत में थोड़ी सी सुधार जो है वो जरूर आता है। डॉक्टर जयदेव बैनर्जी, ये सारी चीजों का इलाज यहाँ किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इधर से भी फूलों की हर तरह की क्यारियां आपको नजर आएंगी। ये देखिए, मेरे तरफ पौधे ही पौधे, बहुत सारी मनी प्लांट से लेकर हर तरह का पौधा यहाँ मौजूद है, हर तरह का। मतलब तबीयत ठीक होनी यहीं से शुरू हो जाती है। ये बेल लगी है जिसे कि कहते हैं गिलोय की बेल, जो कि आयुर्वेद में बहुत अपना महत्व रखती है। ये आप देख सकते हैं दूर तक कैमरा, ये देखिए पीछे सरसों, पालक, मेथी, बथुआ, हर चीज यहाँ लगी है, सारी सब्जियां यहाँ लगी है। ये हो गया सब्जियों का सारा गार्डन, शुरू से और अब तक सब्जियां। ये हो गया हमारा यहाँ पर छोटे छोटे पक्षी, खरगोश। ये देखिए पीछे मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये हॉस्पिटल है। क्या आप यकीन कर पा रहे हैं कि एक अस्पताल है? ये यकीन करने वाली बात है और आपको यकीन करना पड़ेगा कि मैं एक अस्पताल में हूँ, मैं किसी जंगल में नहीं हूँ या फिर मैं किसी जू में नहीं हूँ। हॉस्पिटल है ये और यहाँ किस तरीके से इलाज कराया जाता है, ये देखिए इतने खूबसूरत फूल यहाँ लगाए हैं, बहुत अच्छा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वाकई में यहाँ कुछ तो अच्छा है कि देखकर अगर तबीयत खुश हो जाती है, देखकर बीमारी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है बिना दवाइयां स्टार्ट करे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आपको मैंने दिखा तो दिया था मेन गेट से ही कि प्रेम आधार रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल। अब ये है क्या? ये है आयुर्वेद, पंचकर्मा, प्राकृतिक चिकित्सा, योगा, विज्ञान, यानी कि पूरे तरीके से आयुर्वेदिक अस्पताल, पूरे तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये यहाँ शुरुआत होती है अंदर जाने की। ये मेन गेट पर ही रिसेप्शन है, रिसेप्शन पर भी आप देख सकते हैं कोई लोगों की भीड़ नहीं, कोई प्रदूषित वायु नहीं। आपको यहाँ मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ भीड़ से परेशानी नहीं होगी, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। साफ सुथरा और पूरा का पूरा, जिस तरह से मैंने आपको बताया, सारी चीजें आयुर्वेदिक यहाँ मिलती हैं, आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जाता है। कमरों में सभी जो चीजें हैं, यहाँ कर्मचारियों को यहाँ पर उनका बिल जो है वो पे करना होता है, यहाँ से आप मेडिसिन ले सकते हैं।
ये रिसेप्शन की साइड है पूरी, यहां से आप अंदर आएंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये ओपीडी है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मायसेल्फ डॉक्टर ममता। ममता जी, किस तरह से यहाँ इलाज जो है वो किया जाता है? यहाँ पे आयुर्वेदिक बेसिकली पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, योगा, ये सब इलाज होता है। जो क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे नी पेन हुआ, नेक सर्वाइकल पेन हुआ, और भी जैसे कि पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, उन सब का इलाज होता है। मैम, इतनी खूबसूरती के अंदर जब अंदर से एंटर करते हैं तो लगता ही नहीं कि ये हॉस्पिटल है, लोगों को यकीन ही नहीं आएगा कि ये अस्पताल है। तो पहले ही जब हम गेट से एंटर करते हैं तो आधी तबीयत तो वहीं ठीक हो जाती है। क्योंकि वो पूरा ऐसे नेचुरल बनाया हो ना, आयुर्वेदिक पैटर्न में, कि भाई पूरा ऑक्सीजन वगैरह सब अच्छे से वो पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं, तो इसलिए। आपका क्या नाम है? डॉक्टर उमा। उमा जी, क्या कहेंगी आज के टाइम में इतनी खूबसूरती के अंदर जो आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जा रहा है, तो लगता है मरीज यहाँ आते भी होंगे? आते हैं, मुझे लगता है कि आते ही ठीक हो जाते होंगे। नहीं, आते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक भी होते हैं, रिजल्ट्स भी आते हैं। अच्छा मैम, कितना टाइम लगता है आयुर्वेदिक पद्धति से ठीक होने में? डिपेंड करता है मैम को ट्रीटमेंट, मतलब क्या पेशेंट की कंप्लेंट्स हैं, कैसा ट्रीटमेंट लिया है उन्होंने, कंटिन्यू लिया है कि नहीं, उस पे डिपेंड करता है कि रिलीफ कब तक आएगा, कितना आएगा, बट रिलीफ आता है। हमारे पेशेंट्स आते हैं, सब ट्रीटमेंट लेते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ना कुछ ये गलत फहमियाँ होती हैं कि अगर हम किसी डॉक्टर से जाके मेडिसिन लेते हैं तो जल्दी ठीक होते हैं, अगर आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, हो सकता है ठीक ना भी हो। ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर फॉलो करते हैं, डाइट ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज वगैरह लेते हैं, तो आप अर्ली रिलीफ भी मिलता है, ऐसा ये बिल्कुल मिथ बना रखा है आयुर्वेद के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनका 8, 10, 15, 16 दिन में भी रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा मैम, जीवन के लिए कौन सी पद्धति बेहतर है? आप आयुर्वेदा अपनाओ, सबसे बेस्ट है। ऋतुचर्या, दिनचर्या फॉलो करो जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है। सुना आपने, जैसा कि अभी हमारी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि अगर आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में लोगों के दिमाग में कुछ गलत फहमियां बैठी हैं कि आयुर्वेद से बहुत बहुत दिनों के बाद जाके जो है वो दवाइयां असर करना शुरू करती है, और जरूरी नहीं है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कोई ठीक हो पाए, क्योंकि लोगों के दिमाग में चीज बैठ गई है कि अगर हम एलोपैथिक या फिर बाहर से जो भी आप कहीं से भी किसी केमिस्ट शॉप से कुछ भी दवाइयां लेकर आप खा लेते हैं और आप तुरंत ठीक हो जाते हैं, तो वो कुछ ही टाइम के लिए आप ठीक हो पाते हैं, परमानेंट इलाज वो नहीं होता। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ की फार्मेसी, जहां पर आपको दवाइयां मिलती हैं। जब आप किसी हॉस्पिटल में दवाइयां लेने जाते हैं तो वहां दवाइयों कि लाइन में ही लगकर आप आधे से ज्यादा बीमार हो जाते हैं, इतनी लंबी लाइनें, दवाइयां कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। और यहां आप सीधे आए, सीधे सीधे बात की, अपना पर्चा दिखाया और सीधे अपनी दवाई ले ली। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा गौरव सिंह है। गौरव जी, ये सारी दवाइयां आयुर्वेदिक है? जी मैम। अच्छा, यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनको दवाइयों के लिए किसी लाइन में लगना पड़ता है? सीधे आपसे मिले? yes, और दवाइयाँ मिल जाती हैं? yes, अच्छा, कितने दिन में दवाइयाँ सर दिखाती हैं? मैम एक्चुअली तो पेशेंट पे डिपेंड करता है, डिजीज के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे नेचुरोपैथी भी है और थेरेपी भी होती है, तो उससे कुछ फायदा दवाइयों से, कुछ उससे हो जाता है, तो मोस्टली। अच्छा, ये परमानेंट होता है? यस मैम। और जो बाहर से लोग डॉक्टर से दवाइयाँ ले लेते हैं जल्दी से ठीक हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है? नहीं मैम, मेरे अकॉर्डिंग तो आयुर्वेद बेस्ट है। ओके, भले टाइम रिजल्ट टाइम लगेगा 10-15 दिन, बट परमानेंट इलाज। यस मैम। ओके, तो सुना आपने, जैसा कि गौरव जी ने बताया कि ये वो दवाइयां हैं, वो मेडिसिन है जिनमें आपको लगेगा कि कुछ टाइम तो लगता है ठीक होने में, लेकिन जैसे आप बाहर की दवाइयों से खाया और ठीक हो गए, लेकिन फिर 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर वही चीजें रिपीट हो जाती है, वही तकलीफ रिपीट हो जाती है, लेकिन आयुर्वेद से परमानेंट आप ठीक हो जाते हैं। अब आपको एक चीज और दिखाऊंगी जो काफी चौंका देने वाली है। जब आप कहीं अपना इलाज कराने जाते हैं तो एक रूम के अंदर डॉक्टर होते हैं, वहां आपका जो है वो चेकअप करते हैं, आपसे बात करते हैं, और वहीं एक पर्चे पर दवाइयां लिखकर आपको दे दी जाती है। अगर आपका बीपी चेक करना हो तो उसके लिए एक अलग रूम होता है, उस रूम के अंदर इतने सारे मरीज एक साथ लाइन में खड़े होते हैं, वेटिंग में होते हैं कि जब आपका नंबर आएगा तब आप अपना बीपी चेक कराएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब भी बाहर मौजूद हैं, बीपी भी बाहर ही चेक किया जा रहा है, इस पूरी ग्रीनरी के बीचों बीच खुले में।
यहाँ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा के बीच में बैठकर खुले में डॉक्टर साहब चेक करते हैं, दवाइयां लिखते हैं, यही बीपी चेक होता है। ये बहुत चौंका देने वाली चीजें आप देख रहे हैं और ऐसा सच में है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को देखकर ये लोग यहाँ टेबल लगा के बैठ गए हैं। जब हमने अंदर एंट्री की तो मैं खुद ये सारी चीजें देखकर चौंक गई थी। जब आप किसी डॉक्टर से मिलने उनके रूम में जाते हैं तो दवाइयों की स्मेल से ही दम घुटने लगता है और मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करती किसी भी अस्पताल में जाकर दवाई लेना, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ आकर मुझे सारी चीजें बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग मिली, सारी चीजें, चारों तरफ हरियाली, सांस लेते हैं तो पता चलता है कि बिल्कुल प्योर, यहाँ बिल्कुल शुद्ध हवा है, हर चीज यहाँ जैसा मुझे पसंद है सारी चीज। और मुझे लगता है आप लोगों को भी सारी यही चीजें पसंद होगी। डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच में ही आयुर्वेद के बारे में जो सुना था वो आज यहाँ अपनी आंखों से देखा तो बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं वैद्य नामदार शर्मा, जामनगर से मैंने MD किया था 1988 में और 91 से मैं यहाँ पे ये डिस्पेंसरी चला रहा था। उसके बाद में मैंने 97 में इसको हॉस्पिटल बनाया और तभी से ये हॉस्पिटल चल रहा है। अभी पहले 20 बेड का हॉस्पिटल था, अब 30 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पे आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट करते हैं और हमारा हॉस्पिटल जो है दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जल बोर्ड, DU, IP यूनिवर्सिटी और NDMC इन सब के पैनल पे है। इसका मतलब क्या है, जो भी इनके कर्मचारी हमारे पास आएंगे ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए उनके बिल का रिइम्बर्समेंट उनके डिपार्टमेंट से हो जाएगा और जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए कैशलेस फैसिलिटीज है। एक मैं आपको बात बताऊं, हम पेशेंट को पिक एंड ड्रॉप देते हैं, पेशेंट को घर से लेके आएंगे, उनको पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है वो देते हैं, उसके बाद में घर फिर छोड़ के आते हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपके लिए वो भी फ्री है हमारी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से। अगर आप सर्विस करते हैं तो आपके 100 रुपये पर डे चार्ज करेंगे आपसे, आने का भी जाने का भी टोटल 100 रुपये हम आपसे लेंगे। ये फैसिलिटी हमें आप दे रहे हैं। और इसमें एक और बात है कि जो भी नेचुरल फूड है यहाँ पे, कुछ फूड हम यहीं कल्टीवेट करते हैं, कुछ हर्ब यहीं कल्टीवेट करते हैं और हम अपनी हर्ब कल्टीवेट की हुई हम यहाँ यूज़ करते हैं और ऐसे ही नेचुरल फूड हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। अब हम दिखाते हैं आपको इस आयुर्वेदिक अस्पताल की कैंटीन, किस तरह से खाना यहाँ बनता है, किस तरह से खाना यहाँ मरीजों तक पहुंचाया जाता है और किस सफाई से यहाँ खाना बनाया जाता है, आइए देखते हैं। पहले तो आप ये देख सकते हैं यहाँ सभी लोग मौजूद हैं जो खाना खा रहे हैं। बिल्कुल खाना इस तरीके से यहाँ परोसा जाता है जैसे कि आप अपने घर में ही खाना खा रहे हैं, लगता ही नहीं कि आप किसी अस्पताल में हैं और अस्पताल के अंदर बना हुआ खाना आप खा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, प्लेट में बहुत अच्छे तरीके से खाना सर्व किया जाता है, साफ सफाई बिल्कुल ठीक तरीके से की जा रही है, गैस पर किस तरीके से खाना पक रहा है और लेडीज खाना आपको पता है बनाने में कितनी परफेक्ट होती है और साफ सफाई रखने में भी बहुत परफेक्ट होती है। तो बिल्कुल हर चीज परफेक्ट अपनी जगह पर, बहुत अच्छे से खाना सर्व किया जाता है, लोग खाना खाते हैं और खुश रहते हैं, मतलब कि हर चीज परफेक्ट। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि आयुर्वेद जीवन के लिए कितना जरूरी है। तो सभी से अपील करूंगी कि जो स्वस्थ है वो भी एक बार यहाँ जरूर आए, इस जगह को देखे जरूर, क्योंकि ऐसी जगह पर इलाज ही कराने नहीं आते, ऐसी जगह पर आप घूमने भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एक अस्पताल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जिसे देखकर ही मन खुश हो जाता है। चारों तरफ हरियाली, हर तरह के पेड़ पौधे, हर तरह के फूल, हर तरह की एक खुशी आपको यहाँ आकर ऐसा लगेगा जैसे आप किसी एक अच्छी वाटिका में हैं जहाँ सारी चीजें मौजूद होती है। यहाँ पर पक्षी भी है, यहाँ पर खरगोश भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको देखकर आप वैसे ही खुश हो जाएंगे तो बीमारी तो टिक ही नहीं पाएगी। तो जरूर आए, एक बार विजिट जरूर करें और आप अगर घर में कोई पेशेंट है, किसी चीज की किसी की दवाई चल रही है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, काफी लंबे टाइम से दवाइयां खा रहे हैं, तो यहाँ आए, आयुर्वेद को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं।